है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्लूटूथ ईयरफोन या हेडफोन फ़ोन से कनेक्ट करने पर आवाज़ नहीं आ रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब यहाँ पर ब्लूटूथ सेटिंग्स मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बार फ़ोन से कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए, हमने कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अनपेयर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। देखिए, अनपेयर करने के बाद मोबाइल के ब्लूटूथ को बंद कर देना है और ब्लूटूथ ईयरफोन या हेडफोन को भी बंद कर देना है। और अब फ़ोन के होम स्क्रीन पर आना है और फ़ोन को रीस्टार्ट या रिबूट करना है। कैसे करेंगे तो देखिए, जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकेंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट या रिबूट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। तो इतना कर लेने के बाद ब्लूटूथ ईयरफोन को या हेडफोन को चालू करना है और फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। ब्लूटूथ सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ से ब्लूटूथ को चालू करना है। तो अभी यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, देखिए आ चुका है। इस पर क्लिक करना है, फिर पेयर कर देना है। जैसे इतना कर देंगे, अब जो प्रॉब्लम थी सही हो चुकी है। अगर आपका ब्लूटूथ ईयरफोन या हेडफोन 15% या 20% से कम है तो भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, आवाज़ नहीं आती है, तो इतना आप ध्यान रखना। देखिए, हमारा 50% चार्ज है। जो भी प्रॉब्लम थी सही हो चुकी है, अब सही हो चुका है। इस तरह आप भी ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।